चंदवा के होटल मन्नत में उत्तर प्रदेश के विकास मंत्री महेंद्र सिंह ने संवाददाता सम्मेलन कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही चतरा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनील सिंह को एक बार फिर चतरा में से सांसद बनाने की बात कही। साथ ही कहा कि अब की बार 400 के पार का जो नारा है यह झारखंड में आके सच होता दिख। गरीब आदमी अगर चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना है और बाकी लोगों के परिवारों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके परिवार का इतिहास कृपा करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, जनता अच्छी तरीके से जानती है। और यही गरीब आदमी जब भारत की कुर्सी पर पहुंचा तभी गरीबों की चिंता किया, हर गरीब की चिंता करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और इसलिए भारत की जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ है और जनता ने नारा दे दिया है अब की बार 400 के पार। लेकिन उन्हें तो मोदी जी का चाय बेचने में फोटो चाहिए, वो कैसे दिखाएंगे? नहीं, चाय बेचने वाले फोटो तो आ चुकी है बहुत सारी जगहों पर, देखना है तो देख सकते हैं, उसमें क्या करना है। और आज तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को देखिए और उनके कामों को देखिए, उनका काम पूरे देश और दुनिया के अंदर चल रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है अब की बार 400 के पार, पूरा देश मोदीमय है और मेरा उत्तर प्रदेश भी मोदीमय है। और कल से मैं जो चतरा में हवा देख रहा हूँ, पूरा झारखंड भी मोदीमय है। पूरे देश से आवाज़ आ रही है कि भारत का प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र भाई मोदी को होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जो भारत के विकास के लिए काम किया वो अद्वितीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। और फिर हर गरीब आदमी मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और इसलिए सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है और फिर से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। चतरा का सेट ठीक।